बलिया में पिछले वर्षों में नगर पालिका परिषद द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए काफ़ी संख्या में ई रिक्शा खरीद कर मंगाए गए थे ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी रेटिंग सुधारा जा सके, जबकि वास्तव में शहर में कहीं भी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा है। मोहल्लावासी अपने घर से निकला कूड़ा निर्धारित स्थानों पर फेंक रहे हैं, जिसे लावारिश पशु बिखेरते रहे हैं। ट्रैक्टर और जेसीबी की सहायता से इस कचरों को नित्य उठाया जाता है, वही ई रिक्शा इन दिनों शो पीस बने हुए हैं। इनकी मरम्मत के लिए कोई प्रयास न होने से यह जंग खाकर कबाड़ा में तब्दील हो रहे हैं। ज्ञात हो कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से 2019 में नगर की सफाई के लिए 25 वर्षों से कूड़ा कलेक्शन के लिए ई रिक्शा की खरीदारी की गई थी। लाखों की लागत से खरीदे गए ई रिक्शे को कूड़ा ढोने के लिए स्पेशल तरीके से उठाने के लिए चेयरमैन द्वारा बनवाया गया था, ताकि शहर के वार्डों की संकरी गलियों में आसानी से प्रवेश कर यह कचरा उठाया जा सके। इससे शहर के 25 वार्डों में गीला और सूखा कूड़ा उठाने का काम अलग अलग किया जाता था, जिसका अब तक नाम मास्टर ही प्रयोग किया जा सका है। देखरेख और मरम्मत न होने के चलते अब सभी ई रिक्शा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। तत्कालीन ईओ दिनेश विश्वकर्मा ने 7 ई रिक्शा की मरम्मत करवाई थी, शेष 19 ई रिक्शा उसी तरीके से गोदामों में पहुंच दायरे गए। कभी नए दिखने वाले नई इन वाहनों के पहिए धंसने लगे हैं, बॉडी में जंग की परत चढ़ गई है, उसमें लगे टायरों की हवाएं निकल गई है। कलेक्ट्रेट की स्थित पानी टंकी परिसर में कूड़ा उठाने 19 वाली ई रिक्शा बैटरी और छोटी मोटी खराबियों के चलते खड़े हैं। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि इनमें से कुछ की मरम्मत का भुगतान ठेकेदार को न किए जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बजट के आते ही सभी ई रिक्शों की मरम्मत कर इनको सफाई बेड़ों में शामिल कर लिया जाएगा। दो साल से क्यों गाड़ी खड़ी है यहाँ पे? बैटरी खराब हो गई, इसकी वजह से खड़ी हो गई। तो आप लोगों ने मांग की अपने विभाग से कि इसकी बैटरी बदली जाए? मांग हुई है, 7 गाड़ियों में बैटरी पड़ी है। अच्छा, चल रही है 3-4 गाड़ियों जो है। हाँ, बाकी के लिए उन्होंने क्या आपसे कहा कि क्यों नहीं पड़ पा रही है? बाकी के लिए तो कुछ नहीं बताया सर, कुछ नहीं बताया। चलिए, इनसे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक कर्मचारी है, ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनसे हमारी कोई बहस भी नहीं है। हमारी बहस नगर पालिका के अध्यक्ष और उसके भ्रष्ट अधिकारी जो ईओ होते हैं, अधिशासी अधिकारी, उनसे है। देखिए, इनका यही कहना है कि भाई हमने तो आवेदन किया था, आवेदन करने के बाद 7 गाड़ियों में बैटरी दी गई, बाकी की जो गाड़ियां हैं 17 गाड़ियां 15 गाड़ियां उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। हाँ, बजट है, अभी 73 लाख रुपए का बजट पारित किया गया है। जानते हैं किस लिए? शहर में जो बड़े बड़े कंटेनर लगते हैं। आइए अंदर आओ, फोटो ले ले जा पहले। ये इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।